Hi guys, welcome your favorite YouTube channel Facial Care on Self. Please click subscribe button and bell button for latest video. It's absolutely free. Hi friends, this is Shisha. Friends, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाल झड़ने से रोकने का एक नुस्खा. बहुत ज़्यादा बाल आपका झड़ता है या आपका बाल टूट जाता है तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं, उसी का नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी. इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेंड्स ये एक ही हफ्ते में अपना कमाल दिखा देता है. फर्स्ट टाइम जब आप इस्तेमाल करते हैं यानी जिस दिन आप इस्तेमाल करेंगे उसी दिन आप देख पाएंगे आपका हेयर फॉल बहुत कम हो रहा है. और इसको आप मैं जैसे बोलूँगी ऐसे कंटिन्यू करते हैं तो फ्रेंड्स ये जैसे आपके हेयर फॉल को रोक ही देगा और आपका हेयर बहुत हेल्दी बनेगा, टूटेगा भी नहीं और मोटा भी होगा. तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद से इसको ज़रूर इस्तेमाल करें. पर दोस्तों आगे वीडियो देखने से पहले आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो देखिए वीडियो के नीचे या ऊपर एक सब्सक्राइब बटन और एक बेल बटन आ रहा है, इन दोनों को आपको क्लिक करना है. इन दोनों को क्लिक करने से फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊंगी उसके तुरंत बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को देख पाएंगे. मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए फर्स्ट टाइम ही आपको सब्सक्राइब बटन और बेल बटन को क्लिक करना है. और दोस्तों मैं इसके बाद भी और भी अच्छा अच्छा ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करती जाऊंगी जो आपको काफ़ी फ़ायदा दिलाएगा. तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और उन सभी वीडियो का फ़ायदा लेने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को क्लिक करना है. तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जान लेते हैं कैसे आप अपने हेयर फॉल को रोकेंगे या आपका हेयर बहुत ज़्यादा टूट रहा है तो उसको कैसे रोक सकते हैं. फ्रेंड्स हेयर फॉल होने का बहुत सारा रीज़न होता है, आपका बॉडी का फिटनेस के ऊपर भी जाता है हेयर फॉल. आप हेल्दी नहीं है, आपके आप में कोई बीमारी है तो भी फ्रेंड्स हेयर फॉल होता है तो वो तो अलग है. पर आपका हेयर हेल्दी नहीं है, आपका हेयर का जो रूट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तब फ्रेंड्स हेयर फॉल होता है. आज मैं आपको ऐसा एक टिप दिलाने जा रही हूँ जो आपके हेयर का जड़ को मजबूत करेगा. आप में कोई बीमारी नहीं है तो फ्रेंड्स इस टिप्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट मिलेगा. यानी बीमारी के वजह से, साइड इफ़ेक्ट के वजह से आपके हेयर फॉल होते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. पर आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, आपका हेयर थीन है यानी पतला है, आपका हेयर टूट जाता है तो भी फ्रेंड्स आप इस टिप्स को इस्तेमाल करेंगे तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा. तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने जड़ को मजबूत करना है. तो फ्रेंड्स हम लोगों के हेयर का जड़ मजबूत होता है विटामिन ई से, प्रोटीन से, विटामिन सी से, कैरोटीन, बायोटीन, ये सब रहता है तब हम लोगों के बालों का जड़ मजबूत होता है. तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको लेना है आमंड ऑयल. आमंड ऑयल में फ्रेंड्स बहुत मात्रा में विटामिन ई रहता है, ये आपके हेयर को जड़ से मजबूत करता है, आपके हेयर को मोटा करता है, आपके हेयर को टूटने से बचाता है, हेल्दी बना के रखता है. तो आपको लेना है 4 चम्मच आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, जो हम लोग हेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं वही, खाने का नहीं. बहुत सारे सोच रहे होंगे आमंड ऑयल या बादाम का तेल खाने का ले ले क्या, पर वो नहीं लेंगे फ्रेंड्स. वो अलग तरीके से बनता है और जो हेयर के लिए आता है वो अलग तरीके से बनता है. आप आमंड रोगान बादाम श्री भी ले सकते हैं या आप सिर्फ आमंड ऑयल जो मिलता है उसको भी आप ले सकते हैं. डाबर का मिलता है और भी बहुत सारा कंपनी के मिलता है तो मैं कोई कंपनी का नाम प्रेफर नहीं करूँगी, जो भी आपको सही लगे, जो आपको लगे ये प्योर हो वही ले लें. 4 चम्मच आमंड ऑयल ले और इसके साथ आपको जोड़ना है कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल. अरंडी का तेल फ्रेंड्स हम लोगों के हेयर का जड़ को मजबूत करता है, हेयर को रीग्रोथ करता है यानी नए से हेयर को उगाने में हेल्प करता है और आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके हेयर को जड़ से लेके अंत तक स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर को टूटने नहीं देता है. तो इसके वजह से आपको अरंडी का तेल लेना है और भी 4 चम्मच और इसके साथ आपको जोड़ना है आंवला. आंवला, कच्चा आंवला जो आता है उसको आपको
कद्दूकस करके या ग्राइंडर में पीस के उसका रस आपको निकाल लेना है। आंवले में बहुत मात्रा में कैरोटीन, बायोटीन, विटामिन ई और भी बहुत सारा ऐसा तत्व रहता है जो आपके हेयर को मजबूत करने में हेल्प करता है, आपके हेयर को काला घना बनाता है, मोटा बनाता है, आपके हेयर को टूटने नहीं देता है। तो आपको लेना है 4 आंवला मीडियम साइज का और उसको कद्दूकस करके या ग्राइंडर में पीस के उसका रस निकाल लेना है और इसके साथ ऐड कर देना है। इसके बाद आपको लेना है 1 अंडे को। अंडा में फ्रेंड्स प्रोटीन रहता है जो आपके हेयर को हेल्दी बनाता है, आपके हेयर को झड़ने से रोकता है, आपके फुल हेयर को यानी हेयर का जड़ से लेके अंत तक आपके हेयर को मोटा और हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करता है, ये आपके हेयर को टूटने नहीं देता है। तो आपको लेना है 1 अंडा, 1 व्हाइट और 1 योक यानी अंडे का जो पीला पोर्शन आता है वो भी लेना है और जो सफ़ेद पोर्शन आता है वो भी लेना है, दोनों ही आपको ले लेना है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इसको अपने हेयर के जड़ से लेके अंत तक लगाना है। ये फ्रेंड्स मैं जो क्वांटिटी बोल रही हूँ जिनका भी कंधे तक हेयर है उनके लिए है, आपका हेयर और भी लॉन्ग है तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बना ले। और इसके बाद फ्रेंड्स इसको ऐसे आपको लगाना है ताकि फुल हेयर में ये लगे, ऐसा नहीं थोड़ा कम बना लिए थोड़ा फुल हेयर में नहीं लगा है, ऐसा नहीं। ये कंडीशनर का भी काम करता है, आपको हेयर को डीप कंडीशनर का काम करता है, ये आपके हेयर को सिल्की भी बनाता है और ग्लॉसी भी बनाता है, ये आपके हेयर को हेल्दी बना के इसके साथ साथ आपके हेयर को रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स इसका काफ़ी सारा फ़ायदा है। फर्स्ट फ़ायदा है ये आपके हेयर फॉल को रोकेगा और सेकेंड फ़ायदा है ये आपके हेयर को हेल्दी बनाएगा, टूटने से बचाएगा और थर्ड में फ्रेंड्स ये आपके हेयर को रीग्रोथ करेगा, यानी आपके हेयर बहुत पतला है, आपके सिर में बहुत सारा हेयर नहीं है तो ये बहुत सारा हेयर ला देगा, नया नया हेयर उगाएगा। जिनका भी बाल झड़ते झड़ते गंजापन आ गया है उनके लिए भी फ्रेंड्स ये टिप्स बहुत अच्छा है और ये जल्दी से आपके हेयर को लॉन्ग करने में भी हेल्प करता है। इसको आपको लगा के कम 2 घंटा रखना है और 2 घंटे बाद अपने हेयर को शैम्पू कर लेना है। ऐसा आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन करना है। 4 से 5 दिन आप करते हैं तो फ्रेंड्स एक ही महीने में आपको लॉन्ग ठीक हेयर मिलेगा और फर्स्ट डे आप जब इसको धो लेते हैं फर्स्ट डे ही आप देख पाएंगे आपका हेयर फॉल कम हो रहा है, आपके हेयर में एक चमक आ जाएगा। और इसको आप हफ्ते में 4 से 5 दिन करते हैं तो फ्रेंड्स एक ही हफ्ते में देखिएगा आपका हेयर फॉल ये फुल रोक देगा, आपके हेयर फॉल नहीं होगा और उसके साथ ही साथ आपका हेयर टूटने का जो प्रॉब्लम था वो भी कम हो जाएगा, हेयर भी नहीं टूटेगा, हेयर मोटा हो जाएगा, घना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके बारे में जानकारी लेके आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ रिलेटिव के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले पाए। और फ्रेंड्स मैं फिर से याद दिला रही हूँ आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने से ऐसा अच्छा अच्छा ब्यूटी टिप्स आपको मिलता रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मैं फिर आऊँगी कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।